हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार SC ERT की जो आपकी बुक चलती हैं उसमें इतिहास की बुक हम लोग सातवें क्लास की सातवीं कक्षा की जो इतिहास की किताब है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग सातवां और आठवां चैप्टर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक हमारा कक्षा छः की किताब पूरी कंप्लीट हो चुकी है और कक्षा सात में भी टोटल 10 चैप्टर हैं। आज की वीडियो में हम लोग सातवां और आठवां चैप्टर देख लेंगे, तो सिर्फ नवां और दसवां मतलब एक ही वीडियो और आएगी और आपका सातवां क्लास की जो इतिहास की बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। उसके बाद अर्थ क्लास को भी मैं 6 या 7 दिन में कंप्लीट पूरी करवा दूंगा, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ वही चीज़ें मैंने यहाँ पर ली हैं। देखिए, समय बहुत कम है इसलिए पूरी कहानी यहाँ पर नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, महमूद के समकालीन एशियाई विद्वान, ठीक है, महमूद गजनवी के, ठीक है, गजनवी होना चाहिए विद्वान, अलबरूनी किसका समकालीन था, महमूद गजनवी का, ठीक है। और इसने किताब कौन सी लिखी थी, किताब उल हिंद, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, उर्दू कैसे बनी अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखिए यहाँ पर लिखा है फारसी, तुर्की, ब्रज और खड़ी, मतलब चार भाषाओं के मिश्रण से कौन सी एक नई भाषा का जन्म हुआ, उर्दू भाषा का। कौन चार भाषाएं हैं, फारसी, तुर्की, ब्रज और खड़ी, ये चारों आपको याद होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, अब देखिए इस्लाम के इन्हें भी जाने लिखा है, इस्लाम धर्म का जाति पाति में विश्वास नहीं था, फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अशराफ और निम्न जाति के लोगों को अजलाफ कहा जाता था। मतलब जो हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म जिन लोगों ने अपनाया है उसमें जो उच्च जाति के लोग होते थे वो अशराफ, ठीक, अशराफ कहे जाते, ठीक, और जो निम्न जाति के लोग वो अजलाफ कहे जाते, ठीक है। धीरे धीरे मुसलमानों के बीच भी जातीय विभाजन शेख, सैयद, मलिक, पठान, अंसारी, जुलाहा आदि के रूप में होने लगा। इस तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच पारस्परिक मिलन से एक सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ है, ठीक है। भक्ति आंदोलन में यहाँ पर कोई खास चीज़ नहीं थी, सिर्फ कहानी बताई गई है, अपना अपने दादा जी के साथ गया था, यही सब यहाँ पर बताया गया, बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन बन सके। अब आगे देखते हैं, भक्ति आ गया यहाँ पर, देखिए दक्षिण भारत से भक्ति परंपरा की शुरुआत, अलवार एवं नयनार संत, ठीक है। ये देखिए आधी चीज़ें आपकी लूसेंट में सब मिल जाएंगी। प्रारंभिक मध्यकाल में 7वीं से 12वीं सदी के बीच भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय तमिल मतलब दक्षिण भारत के अलवार एवं नयनार संतों को जाता है। इन्होंने आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा पर बल दिया। नयनार एवं अलवार घुमक्कड़ संत थे, ठीक है, जो गांव-गांव जाकर देवी देवताओं की प्रशंसा में भजन कीर्तन करते थे। इन संतों का संबंध नीची जाति के लोगों से भी था। इन्होंने समाज के सभी लोगों को ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए नयनार कौन होते थे, नयनार शैव शिव की उपासना करने वाले एवं अलवार जो थे वो वैष्णव थे, ठीक है। नयनार कौन थे, शिव की उपासना करने शैव थे, शैव कहा जाता, और वैष्णव कौन थे, अलवार, ठीक है। कुल मिलाकर नयनार संतों की संख्या 63 थी। संख्या भी कभी कभी पूछ ली जाती, ठीक, तो नयनार संतों की संख्या 63 थी, जो समाज के विभिन्न वर्ग जैसे कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी जातियों में पैदा हुए थे। अपार, सेबंदर, सुंदरार, मणिक्व, सागर आदि सर्वाधिक प्रसिद्ध नयनार संत थे। ये नयनार संतों के नाम हैं। इनके गीतों के संकलन को तेरवम और तिरुवाचकम, जो नयनार संत हैं इनके गीतों के संकलन को क्या कहा जाता था, तेवरम और तिरुवाचकम कहा जाता था, ठीक है। अलवार संतों की संख्या, नयनार की तो कितनी थी, 63 थी, अलवार संतों की संख्या 12 थी। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध परिये अलवार एवं उनकी पुत्री अंडाल आदि थी। इनके गीत दिव्य प्रबंधम से में संकलित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। साफ नहीं है तो जो बोला है वो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। आगे देखते हैं, शंकराचार्य ने ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, शंकराचार्य जी ने, ठीक है। आगे देखते हैं, शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठ कौन कौन से हैं, उत्तर में कौन सा है, बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में है, उत्तर वाला बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में है, फिर दक्षिण का जो है वो श्रृंगेरी तमिलनाडु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, पूरब में पूरी उड़ीसा, ठीक, पश्चिम में द्वारिका गुजरात, ठीक है। तो चारों आपको पता होने चाहिए। आगे देखते हैं, अब देखिए वासवन्ना के नेतृत्व में 12वीं सदी के मध्य में दक्षिण भारत में वीर शैव आंदोलन शुरू हुआ।
तो वीर शैव आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? वासवन्ना के। ठीक, जो क्वेश्चन जहाँ से बन सकता सिर्फ उतना ही मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, महाराष्ट्र के भक्ति संतों में के नाम, महाराष्ट्र के प्रमुख भक्ति संत कौन है? गणेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, सक्कूबाई, चोखमेला का परिवार। ठीक, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन, अब कह दो यहाँ इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के भक्ति संत है, कौन महाराष्ट्र का भक्ति संत है, उसमें एक इनमें से उठा के दे दिया जाएगा और तीन अलग से आपका ऑप्शन आपको बताना होगा। तो ये हैं गणेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, सक्कूबाई, चोखमेला का परिवार। ठीक, अब यहाँ पे पूरा उनके पंक्तियाँ लिखी हैं, रचित अभंग, इससे कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए सगुण संप्रदाय क्या होता है? सगुण संप्रदाय राम को विष्णु के मानवीय अवतार के रूप में स्वीकार करता है। अगर पूछा जाए राम के विष्णु के मानवीय अवतार को कौन स्वीकार करता है, तो सगुण संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय ईश्वर की कल्पना निराकार ब्रह्म के रूप में की है, मतलब कि जो जो ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, इसने विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद भुलाकर समाज में मानवीय धर्म की स्थापना का ठीक प्रयास किया है। अब देखिए रामानंद कौन थे? रामानंद राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके शिष्य दो वर्गों में विभक्त हो गए थे, सगुण एवं निर्गुण संप्रदाय। इस सगुण एवं निर्गुण के बारे में मैंने ऊपर अभी बताया है। सगुण संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? तुलसीदास। क्योंकि देखिए ये लोग मानते थे कि मतलब जैसे सगुण में क्या था कि ये राम को विष्णु के मानवीय अवतार के रूप में स्वीकार करते थे। ठीक है, मतलब ये मानते थे कि ईश्वर का मतलब चेहरे के रूप में भी पहचानते थे। ठीक, और निराकार आकार के रूप में पहचानते थे, और जो निर्गुण थे वो नहीं मानते थे, वो निराकार समझते थे। ठीक है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने। आगे, वैष्णव धर्म की परंपरा में एक प्रमुख शाखा कृष्ण भक्ति थी, जिसमें वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी आराधना पर बल दिया गया। इस परंपरा के प्रमुख संतों में मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, सूरदास एवं रसकान आदि का नाम शामिल है। मतलब ये सब लोग हैं कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त इनमें से सारे हैं। ठीक, मीराबाई का संबंध मेवाड़ के मारवाड़ के राजघराने से था। ठीक है, मीराबाई मेवाड़ के मारवाड़ के राजघराने से संबंधित थी। ठीक है, और ये किसकी शिष्या थी? एक दलित वर्ग के रैदास की। ठीक है, संत रैदास की। ठीक, जो कि दलित थे। आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें तो काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए कबीरदास जी किसके शिष्य थे? कबीरदास जी रामानंद के शिष्य थे। कबीरदास जी रामानंद के शिष्य थे। कबीर के समकालीन गुरु नानक देव जी जो थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, वो किसके समकालीन थे? कबीरदास जी के। ठीक है, या फिर कबीरदास जी किसके समकालीन थे? तो गुरु नानक जी के। ठीक, बिहार में संत दरिया साहब। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब देखिए दरिया पंथ के प्रवर्तक दरिया साहब को उनके अनुयायियों द्वारा कबीर का अवतार भी माना जाता है। ठीक है, दरिया पंथ के प्रवर्तक जो दरिया साहब हैं, ठीक, दरिया साहब कौन है? दरिया पंथ के प्रवर्तक हैं, और उनके अनुयायियों द्वारा उन्हें संत कबीर का अवतार माना जाता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ के सूफी संतों में गजाली, रूमी, सादी एवं राबिया आदि का नाम उल्लिखित है। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूफी खानकाह की स्थापना का श्रेय सुहरवर्दी सिलसिले के संत बहाउद्दीन जकरिया को है। बहाउद्दीन जकरिया को क्या है? सूफी खानकाह की स्थापना का श्रेय, सबसे पहला भारत में। ठीक, खानकाह किसे कहते हैं? सूफी संतों द्वारा जहां इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा प्रदान की जाती है, इसमें सभी वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक, गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता था। ठीक है, गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता था। ठीक है, फुलवारी शरीफ का खानकाह, ये क्या है? फुलवारी शरीफ खानकाह मध्यकालीन शिक्षा जगत का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी अरबी एवं फारसी की शिक्षा लेने आते थे। यहाँ पीरी मुरीदी परंपरा का अनोखी ढंग से निर्वाह किया जाता था। इस खानकाह की लाइब्रेरी मध्यकालीन साहित्यिक कृतियों एवं पांडुलिपियों के कारण काफ़ी समृद्ध मानी जाती है। इस लाइब्रेरी की खासियत है कि यहाँ मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा लिखित कुरान की प्रति सुरक्षित है। किसके द्वारा? फुलवारी शरीफ खान का है। इससे एक क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है कि औरंगजेब द्वारा लिखित कुरान की प्रति कहाँ सुरक्षित है, तो फुलवारी शरीफ खान का है। इसी खानकाह में अरबी एवं फारसी भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने वाले राजा राम मोहन राय आए थे, तो राजा राम मोहन भी यहीं आए थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इस खानकाह की लाइब्रेरी लगभग 400 वर्ष पुरानी है, इसमें लगभग 4000 पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। इस लाइब्रेरी में चीनी मिट्टी पर
कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। यहाँ 20,000 इस्लामी एवं फारसी साहित्य पर पुस्तकें उपलब्ध हैं। यह खानकाह आज भी इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। आज भी यहाँ देश विदेश से शोधार्थी आते रहते हैं। ठीक, अब देखिए, भारत का सबसे लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती का था, जिसकी स्थापना अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। इनकी दरगाह भी वही है। मोइनुद्दीन के शिष्यों में राजस्थान के हमीदुद्दीन नगौरी, दिल्ली के बख्तियार काकी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद एवं गुलबर्ग के बंदा नवाज गेसुदराज का काफ़ी सम्मान था। ठीक है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के ही ये सब लोग शिष्य थे। ठीक है, इनके नाम आप लोग खूब सुने होंगे, निजामुद्दीन, बख्तियार काकी, ये सब। ठीक है, आगे देखिए कि लोकप्रिय बनाने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को, किसको? चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो निजामुद्दीन औलिया को जाता है। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है ये कहाँ है? ये है दिल्ली में। ठीक, हजरत मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी, इनके बारे में फारसी भाषा में, इन्हीं के बारे में लिखा है कि फारसी भाषा में उनके पत्रों के दो संकलन मकतुबात सदी एवं मकतुबात दो सदी प्रमुख हैं। ठीक है, दो फारसी भाषा में उनके पत्र हैं। आगे देखते हैं बिहार शरीफ में मनेरी साहब का मजार, मतलब दरगाह है। इसके बगल में उनकी माँ रजिया का मजार है। बीबी रजिया सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी। ठीक है, मजार कहाँ है बिहार शरीफ में? मनेरी साहब का मजार दरगाह है बिहार शरीफ में। मनेरी साहब जो है उनकी दरगाह है। ठीक, ये हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 8th चैप्टर को भी देख लेते हैं इसी तरीके से, और फिर 7th क्लास में सिर्फ एक वीडियो और आएगी और 7th क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा 8th चैप्टर इसमें और देख लेते हैं। तो 8वां जो चैप्टर है ये है क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। अब देखिए इसमें, देखिए भाषा और साहित्य से संबंधित चीज़ें हैं। विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य में। उदाहरण स्वरूप, बंगाल के शासक नुसरत शाह ने रामायण एवं महाभारत का बंगाली में अनुवाद कराया था। ठीक, तो महाभारत और रामायण का बंगाली में अनुवाद किसने कराया था? नुसरत शाह ने। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब देखिए, फारसी के विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र था। फारसी के विकास के लिए सबसे पहला केंद्र कौन सा था? लाहौर। ठीक, उर्दू का शाब्दिक अर्थ होता है शिविर या खेमा। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिविर या खेमा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, दक्षिण भारत में जिस उर्दू का विकास हुआ वह दक्कनी कहलाई। दक्कनी किसे कहते हैं? दक्षिण भारत में जिस उर्दू का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत तक उर्दू हिंदी या दक्कनी कही जाती थी। लोग उर्दू भाषा को हिंदुस्तानी या दक्कनी के नाम से पुकारते थे। मुगल काल में उर्दू मुगलों की मातृभाषा बन गई और घर घर दरबार तथा शिविरों में बोली जाने लगी। अब हिंदी और हिंदुस्तान जैसे शब्दों का संबंध भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बहने वाली सिंधु नदी से है। भारत व ईरान के बीच प्राचीन काल से ही संबंध बना हुआ है। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे, हिंदू से ही हिंद बन गया। ईरान के लोगों ने जब इस शब्द को इक प्रत्यय लगाया तब शब्द हिंदी बन गया, जिसका अर्थ होता है हिंदी का। तभी से हिंद की भाषा हिंदी कही जाने लगी। ठीक, तो ये ईरानियों की वजह से यह सब हुआ था। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है कि हेमचंद्र सूरी ने जैन साहित्य की रचना के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, जैन साहित्य की रचना के क्षेत्र में किसने योगदान दिया था? 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें आंसर होगा हेमचंद्र सूरी ने। ठीक, जिया नक्शवी ने तूतीनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। तूतीनामा किसने लिखी थी? जिया नक्शवी ने। ठीक, आगे देखिए, जौनपुर के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा हिंदी में रचित पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया गया। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा हिंदी में रचित पद्मावत जो है वो किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और इस समय अलाओल जो नाम है ये जो है इन्होंने बंगला में पद्मावत का अनुवाद किया था। अलाओल ने ठीक है, जौनपुर के मलिक मोहम्मद जायसी जो है उन्होंने, देखिए पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और इसका बंगला में अनुवाद किसने किया था? अलाउल ने। ठीक है, ये बस इसे याद रखिएगा। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाना थे, जो रहीम के उपनाम से प्रसिद्ध थे। जो रहीम, इनका नाम आपने सुना है, उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाना, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे।
ठीक है। अकबर के समय में क्षेत्रीय भाषाओं में भी बहुत सी श्रेष्ठ रचनाएं हुई। उनके शासनकाल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में, तो रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिसके नायक राम थे। तो और तुलसीदास जी किसके समकालीन थे, तो वो थे अकबर के समकालीन। आगरा एवं आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली ब्रजभाषा को भी प्रोत्साहित किया। कवि सूरदास का इस भाषा लेखन में महत्वपूर्ण योगदान था। तो ब्रज सूरदास जी जो थे वो किस भाषा के कवि थे, ब्रजभाषा से संबंधित थे, ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित थे, ब्रज क्षेत्र से, ठीक। महाराष्ट्र में एकनाथ एवं तुकाराम ने मराठी भाषा को काफ़ी विकसित किया। तो मराठी भाषा को सबको किसने विकसित किया, महाराष्ट्र में एकनाथ और तुकाराम ने। बिहार के, अब बिहार से संबंधित है तो ध्यान से देखिए, बिहार के चंदेश्वर इस काल के प्रमुख टीकाकार थे। प्रमुख टीकाकार का नाम था चंदेश्वर, ठीक है, जिन्होंने सूफी संतों से प्रभावित होकर धर्म की व्याख्या की। अब देखिए, देश के हिंदी भाषी राज्यों में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। यहाँ हिंदी की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से हुई है। यहाँ हिंदी की उत्पत्ति जो है भारत में वो मगधी अपभ्रंश से हुई है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा मैथिली, ठीक है, मगही में भोजपुरी का उद्भव हुआ, जिसका उर्दू के विकास में भी योगदान रहा है। अब बिहार का देखिए, बिहार में भाषाओं में मैथिली भाषा सबसे उन्नत एवं विकसित है। यह तिरहुत क्षेत्र के दरभंगा प्रमंडल में बोली जाती है। इस भाषा के प्रयोग के लिए अलग लिपि का विकास किया गया, जिसे मैथिली लिपि कहते हैं। यद्यपि प्राचीन काल से ही मैथिली भाषा बोली जाती रही है, परंतु इसके वर्तमान स्वरूप का उदय 10वीं शताब्दी में हुआ है। विद्यापति मैथिली के एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने कविता के माध्यम से मैथिली साहित्य को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया था, विद्यापति के। इस तरह प्राचीन काल से चली आ रही मगही का रूप धारण किया और उसी के अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली बोलियों में भोजपुरी बिहार के पश्चिम और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति लगभग 8वीं शताब्दी में हुई। यद्यपि भोजपुरी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है, इसका लिखित साहित्य कम उपलब्ध है, परंतु इसकी मौखिक परंपरा लोकगीतों और लोक कथाओं के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कबीर इस काल के प्रख्यात कवि थे, जिन्होंने दोहे धर्मनिरपेक्षता पर आधारित जिनके दोहे धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होते थे। इस तरह उर्दू, हिंदी, बंगला, मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य के विकास में इस प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें तुर्क एवं मुगल शासकों की अहम भूमिका थी। अब देखिए चित्रकला से संबंधित, ठीक। अब देखिए पटना कलम, उसके बाद देखिए पटना कलम क्या है, उसके बाद कुछ देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ से देखते हैं। 1760 के लगभग ये चित्रकार संरक्षण की खोज में बंगाल के मुर्शिदाबाद कहाँ है, बंगाल में। उसके बाद कुछ चित्रकार पटना में भी आकर बसे। मुगल साम्राज्य के पतन की बात है, ठीक है। उन्होंने लोटी कटरा मच्छरहट्टा आरा तथा दानापुर में बसकर चित्रकला के क्षेत्रीय रूप को विकसित किया। यह चित्रकला शैली ही पटना कलम या पटना शैली कहलाई। मतलब मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कुछ लोग उनके चित्रकार संरक्षण की खोज में बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंच गए थे। उसके बाद कुछ चित्रकार पटना में भी आकर बस गए। उन्होंने देखिए लोटी कटरा, मच्छरहट्टा, आरा, दानापुर में बसकर चित्रकला के क्षेत्रीय रूप को विकसित किया, या क्या कहलाई, पटना कलम, ठीक। अब देखिए सल्तनत काल में दो प्रकार की गायन शैली प्रचलित हैं, गजल और कव्वाली। गजल और कव्वाली सबसे ज़्यादा प्रचलित कब है, सल्तनत काल में। तानसेन के रचे हुए बहुत से ध्रुपद प्राप्त होते हैं, जिसमें बादशाह अकबर के गुणगान है। तो तानसेन के ध्रुपद से में क्या होता है, बादशाह अकबर के गुणगान होते हैं, ठीक है। जब तानसेन ऐसी कथा प्रचलित है कि जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप जल उठता था, और जब राग में मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी, ठीक है, ये कहा जाता है, ठीक है। मुगल काल में ख्याल गायन का भी आविष्कार हो चुका था। ख्याल दो प्रकार के होते थे, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल की लय धीमी रहती थी और छोटे ख्याल की लय मध्यम व तीव्र एवं चंचलता पूर्वक रहती थी, ठीक है। तो बड़ा और छोटा जो ख्याल था वो लय के आधार पे था, ठीक है। बड़े ख्याल में लय धीमी और छोटे में चंचलता पूर्वक मध्यम रहती थी, ठीक। बिहार में संगीत, बिहार में चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए, जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई, ठीक है। चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए कौन है, चिंतामणि कहाँ के हैं, बिहार के, और जिन्हें किसकी उपाधि दी गई थी, बिहारी बुलबुल की, ठीक। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया।
और अब एक वीडियो और आएगी जिसमें आपका 9वां और 10वां चैप्टर होगा और उसके साथ ही आपका 7th क्लास की भी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।